हेलो दोस्तों, गेल इंडिया में बहुत ज़्यादा गिरावट देखा गया है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? इस प्राइस पे हमें क्या करना चाहिए? सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो यही चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो गेल इंडिया है, इसका प्राइस अभी जो है 17 रुपीज़ के आसपास है दोस्तों, और कल का जो लोएस्ट बनाया है, यहाँ पर देख सकते हो लोएस्ट जो बनाया है वो 116 के आसपास बनाया है दोस्तों। ये दूसरी बार जो है 116 के आसपास ये लोएस्ट बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जब भी यहाँ पर स्टॉक आता है दोस्तों गेल इंडिया का, तो हमें क्या करना चाहिए? बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, अपोजिट करना चाहिए, खरीदना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगा देता है एक स्टॉक, और तब आपको खरीद लेना चाहिए। और एक चीज़ दोस्तों, जब भी कभी क्रूड ऑयल में ऐसे वैसे अगर गिरावट आता है, तो आपको गेल इंडिया में भी आपको बहुत अच्छा से अच्छा जो है इंप्रूवमेंट देखा जाएगा, और जंप भी देखा जाएगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ से आपको नहीं बेचना है दोस्तों, गेल को आपको होल्ड करना है दोस्तों, और फिर से ये जो है वापस अपने प्राइस पे आएगा, 25 to 30 के रेंज में आएगा। मानता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो हिसाब से कल को मार्केट गिरा हुआ है दोस्तों, आज भी लगता है कि थोड़ी बहुत मार्केट में कमजोरी रहेगी दोस्तों, वीकनेस रहेगा मार्केट, क्योंकि ये जो गिरा है दोस्तों सडन गिरा है, सडनली ये मार्केट गिर चुका है। अगर हम निफ्टी को देखें, तो मैंने आपको दिखाया दोस्तों, निफ्टी में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो आपको 1% का भी आपको अपर सर्किट लगाते हुए दिखाई दे। और कल की डेट में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ओपन कितने पे हुआ था निफ्टी का, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 12,012 में ओपन हुआ था। हाईएस्ट कितना गया था दोस्तों, 12,012 में गया था, लेकिन लोवेस्ट ही गया था, ठीक है, 11,813 के आसपास। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी मार्केट उतना पे ही है, थोड़ा भी रिकवरी नहीं है। तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा तो दोस्तों कॉन्शियस है कि आपको मार्केट में अपने पैसे लगाना है, ठीक है। और कुछ ऐसे ब्रोकर भी है दोस्तों, जो कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं, वो बता रहे हैं कि अभी जो गेल का जो टारगेट बताया जा रहा है दोस्तों, अभी आपको 135 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों गेल का जो टारगेट है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, बाय गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, टारगेट 135, ठीक है। तो यहाँ आपको 135 रुपीज़ का टारगेट दिया जा रहा है, और गेल वापस से आ चुका है दोस्तों वो पहले वाले रेंज में 115-100 के आसपास। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर हो रहा है, तो दोस्तों आपको आने वाले दिनों में भी थोड़ा बहुत तो यहाँ से आपको प्रॉफिट और रिकवर दोनों दिखाई देगा। और बहुत लोग ये सोच के भी परेशान हैं कि गेल इंडिया का प्राइस कभी कभी नहीं, हर बार ही गिरते रहता है वो, तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या कंपनी में ग्रोथ हो रहा या नहीं हो रहा। तो कंपनी में अगर हम देख लेते हैं दोस्तों क्वार्टरली, तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले ईयरली देख लेते हैं, ठीक है, 1 ईयर का हम देख लेते हैं। तो दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनको ज़्यादा तो ज़्यादा लॉस ही हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर देख सकते हो, जो 1 ईयर का है उसमें -22% है। उसके बाद यहाँ पर डेप्थ भी है, इंटरेस्ट में भी कुछ नहीं मिला दोस्तों, इंटरेस्ट में भी। उसके बाद अगर हम फाइनली देख लेते हैं, तो फाइनली इनको कितना मिला दोस्तों, 12.67% यहाँ पर मिला, ठीक है, 12.67% नेट प्रॉफिट। तो पूरा बैलेंस करने के बाद नेट प्रॉफिट 12 ही हाथ में आया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर क्वार्टरली देख लेते हैं, तो क्वार्टरली में यहाँ पर देख लेते हैं, सेल्स में डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन कितना, केवल 1%, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया था दोस्तों, 11% हुआ था, तो थोड़ा सा तो इंप्रूवमेंट हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट में, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, पूरा नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर पूरा पॉजिटिव आया, ठीक है। अदर इनकम यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था। तो कभी कुछ ऐसा है कि 1 ईयर में कभी कुछ नेगेटिव हो जा रहा है, तो कभी 3 मंथ में वहाँ पर नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फाइनली हम देखें नेट प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देख लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा सही आया है क्वार्टरली रिजल्ट का, 73.48 आया है, और यहाँ पर 12 ही आया। तो क्वार्टरली रिजल्ट तो संकेत दे रहा है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत बुलिश रहना चाहिए, और ऐसे स्टॉक में बने रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको गेल इंडिया को होल्ड करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।